नमस्कार, हम भारत के लोग कार्यक्रम के तहत आज हम मुलाकात कर रहे हैं मनीष नारंग जी से, गौरव मल्होत्रा जी से। आप डोईवाला के प्रमुख व्यापारी हैं और हमारे साथ हैं राहुल सैनी जी, आप भानियावाला से हैं और आप व्यापार करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है ई कॉमर्स के बढ़ने से स्थानीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है और व्यापार के साथ साथ स्थानीय जो गांव हैं, स्थानीय जो शहर हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनकी इकोनॉमी किस तरह से प्रभावित होती है, उस पर बातचीत के लिए आज स्टूडियो में हम सब मौजूद हैं। मनीष जी आपका स्वागत है, गौरव जी आपका स्वागत है, राहुल जी आपका स्वागत है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, कितना बदलाव आपने देखा है और खासकर हम बात करें ई कॉमर्स की। बदलाव तो देखिए काफ़ी आया है, अब पहले और अब में तो सबको ही पता कितना चेंज आ गया काम में। पर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समाज के लिए। अब देखिए, कस्टमर का मार्केट में आना तो पहले से कम हुआ ही है, ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा ध्यान है, पर फिर भी हमारे गांव में इसका कम है, शहरों में ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस चीज़ का, पर फ़र्क तो है। तो यही है कि कस्टमर मार्केट की तरफ आए और अपना मार्केट में परचेसिंग बढ़ाएं पावर अपनी, तो सभी लोकल को अच्छा रहेगा, सबके लिए बढ़िया रहेगा और हम भी कस्टमर की सुविधाओं की तरफ ध्यान देंगे, जो कमियां हैं हमारी तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसे पार्किंग की समस्या है या वॉशरूम की कमी है, जो भी मतलब कस्टमर की कमियां हमारी तरफ से कमी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और सभी से आग्रह करते हैं कि लोकल मार्केट में आएँ और लोकल से ही परचेजिंग करें ताकि सबका व्यापार बढ़े और सब आपस में मिलजुल करें। बिल्कुल सही बात की तरह आपने इशारा किया है कि कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जब ग्राहक बाजार में आता है तो वो सुविधाएं भी चाहते हैं जी, और सुविधाएं मिलेंगी बाजार में, उनके जो इजी एक्सेस होगा दुकान तक, तो वो ज़्यादा उनको बाजार की ओर आने के लिए आकर्षित करेगा। एक बात है कि जब किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर कोई संस्थान डेवलप होता है, मान लीजिए हम डोईवाला बाजार की बात करते हैं, चीनी मिल जी, चीनी मिल एक अच्छा उदाहरण है डोईवाला बाजार के लिए। यहाँ पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आए, नौकरी पेशा लोग आए, उनकी परचेसिंग पावर भी औरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा थी, तो उसका जो एक शेयर है, एक हिस्सा है, वो बाजार में पहुँचा, उससे बाजार डेवलप किया। पर जब किसी की परचेसिंग पावर बढ़ती है तो उसका बाजार पर असर पड़ता है। पर अब देखने में ये आ रहा है कि परचेसिंग पावर बढ़ने और खासकर डिजिटल लिटरेसी बढ़ने के बाद बाजार पर उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना कि पड़ना चाहिए। गौरव जी, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि ई कॉमर्स बढ़ रहा है और स्थानीय बाजार का जो व्यापार है वो। अंगेश जी, जो व्यापारिक स्थिति है, जिसको मैं एक व्यापारी भी हूँ और जैसा बड़े भाई मनीष नारंग जी ने बताया, हम लोग तो इनसे सीखते आए हैं कि दुकानदारी करनी कैसी है। लेकिन अब जो मैं नोट करो, ऐसा नहीं है कि परचेजिंग पावर कम हुई, सच्चाई है कि जब गवर्नमेंट के आप GST रिटर्न्स की बात करेंगे तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, GST रिटर्न हमेशा से बढ़ के आ रहे हैं। सरकार जब आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाती है कि हमने GST जो बाजार में कारोबार है वो हमारे उसमें बढ़ा, वो बढ़ा कैसे, वो ई कॉमर्स से बढ़ा। डोईवाला की अगर हम बात करें, आज की डेट में हर घर में मोबाइल है, डिजिटल इंडिया के नाम पे मोबाइल हर घर में पहुंच गया, सुविधाएं पहुंच गई, वो ठीक है। लेकिन उसका आम व्यापारियों पर जितना असर है, उसका उदाहरण आप इससे लीजिए कि 20 रुपए का बिस्कुट भी रिलायंस जियो घर देके जा रहा है, आप घर बैठ के सब कुछ परचेज कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारी सबसे ज्यादा उससे प्रभावित हुआ है मेरी नजर में, आप आज की डेट में ऑनलाइन देखते हैं, जो व्यापारी सुबह दुकान पे आता है, अपना घर से दुकान पे इस उम्मीद से आता है कि लोकल ग्राहक उसके पास, जो उसका पुराना ग्राहक है, वो स्टेब्लिश होके आएगा, और वो आना भी चाहिए, लेकिन वो आज वो नहीं आ रहा है। उसका मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स है, ऑनलाइन चला गया। लोगों को गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं उसमें ई कॉमर्स में, आप फ्लिपकार्ट देखिए, मेरे हिसाब से 50-60% भारत का जो ई कॉमर्स का हिस्सा है शायद फ्लिपकार्ट कर रहा होगा मेरी नजर में, तो आम दुकानदार उससे सीधा प्रताड़ित है। और सरकार को इन चीजों पर सोचना चाहिए कि ठीक है, मॉल्स एक सुविधा आम लोगों के लिए है, लेकिन अभी मैं ताजा उदाहरण देता हूं कि एक सफारी का सूटकेस, मैं फ्लिपकार्ट पे अभी 5-6 दिन पहले एक सूटकेस देख रहा था जिसकी MRP लगभग 3 सूटकेस की
37 से 38 हजार रुपए थी, वो आपको 4500 रुपए में मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है? क्या वो आपको आम दुकानदार दे पाएगा? कहां से दे पाएगा? कपड़ा व्यापारी माल परचेज करता है, उसको बेचता है ऑनलाइन, और उसमें इतना फर्क हो गया कि मैं एक जींस मंगाऊंगा, एक शादी अटेंड करूंगा, अगर मुझे पसंद आ गई ठीक है, नहीं तो उठा के वापसी। जो दुकानदार उसमें शामिल है, तो ये सीधा सीधा ई कॉमर्स का असर है, जिससे परचेजिंग पावर उतनी है, आप सब कुछ वैसे ही खरीद रहे हैं, लेकिन आप जो लोकल दुकानदार पे आप जो जाते थे वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। और मेरी समस्त देशवासियों से गुजारिश है कि आप मॉल्स में जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन जो दुकानदार आपको सुविधाएं और जो अपनापन दुकानदार आपको दे पाएगा, वो ई कॉमर्स और ये मॉल कभी नहीं देंगे, ये आपसे कभी उधार नहीं करेंगे। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, जब आप अपने बच्चे के साथ बाजार में होंगे, अगर आपको 11,000 रुपए का माल कपड़ा चाहिए होगा, तो मनीष भैया ही प्रोवाइड करा पाएंगे, या और कोई दुकानदार जो डोईवाला में संचालित, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो। आप मुझे 90% डोईवाला में, 50 से 60% मैं कह सकता हूँ, लोग ऐसे होंगे जिनका राशन पर्ची बन के जाती है घर से और वो घर आ जाता है, क्या ये मॉल आपको सुविधा देगा बिना पैसे के? तो ये जो अपना बना ये दुकानदार ही दे सकता है, और ई कॉमर्स का सीधा सीधा असर दुकानदार पर पड़ा है, और इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बेरोजगारी इस मायने में बढ़ रही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हमारी जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाजार है, जैसे कि गौरव जी ने कहा कि अभी जो सामंजस्यता की बात आपने की है कि व्यापारी और ग्राहक के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ था, भावनात्मक रूप से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कमी आई है क्या ई कॉमर्स के? देखिए, जब से ई कॉमर्स आया है तो पब्लिक का बाहर निकलना भी कम हो गया। सपोज मैं हूँ, मैं बाजार आता हूँ मनीष भाई के यहाँ, यहाँ पर भाई भैया के जाता हूँ, किसी के भी जाता हूँ मार्केट में, तो मिलना जुलना होगा, सामान लूंगा उनसे। जब मिलना जुलना ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक संबंध भी खत्म हो रहे, कम हो रहे हैं, क्योंकि हम अगर चार लोग किसी जगह बैठे तो चार लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ोन भी हमारे लिए इस चीज़ की एक उदाहरण है। और जो मार्केट की बात है, भैया ने बोला कि वो सूटकेस जो मैंने देखा वह 38-40 हज़ार रुपये का है, और मार्केट वैसे हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो 1500, 2000, 3000, 5000, 3000, तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट सामान भी ऑनलाइन में चल रहा है। सपोज कोई शूज रिबोक का है तो 10,000 का भी है, आप उसमें देखोगे उसकी कॉपी आपको 1200-1300 रुपये में ऑनलाइन दिख जाएगी, तो आदमी क्या सोचता है कि यार ये सस्ता मिल रहा है, जबकि जब मंगाता है, चलाता है, यूज़ करता है उसको, तो वो डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है। कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में आदमी एक दुकानदार एक कस्टमर थका भी जा रहा है, ये थका जा रहा है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा कि जब मोबाइल पर किसी भी उत्पाद को देखते हैं, गारमेंट की हम बात कर लेते हैं, तो उस पर जो उसका अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें विविधता भी ज़्यादा होती है, कलर भी आपके पास, कलर रेंज भी, ऑप्शन ज़्यादा है, और जब आप शॉप पे कोई ग्राहक जाता है तो वहाँ पर उसका उतना अच्छा अपीयरेंस नहीं दिख पाता, उसका अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता, क्या इसका भी प्रभाव ई कॉमर्स? प्रभाव तो है, तो लोकल दुकान पर अगर आएंगे आप 10 बार उसको ट्राई करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, सारी सुविधाएं हैं, और उसमें ऑनलाइन तो देखो परेशानी है, एक बार चेंज करेंगे, दो बार चेंज करेंगे, किसी बार छोड़ा जो आ गया रख लें, यही होता है। और बेटर तो यही है कि लोकल मार्केट में आएँ, लोकल से परचेज करें, सबसे अपना संबंध बना के रखें, और सब अपना मिलजुल के अपना रहें साथ। बाकी ऑनलाइन थोड़े टाइम का है, ये सबको धीरे धीरे इसका पता लग गया, और आगे आगे देखते जाइए आप ऑनलाइन का क्या होना। बिल्कुल सही बात कही है कि जब ग्राहक दुकान पर आता है तो व्यापारी के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता भी बनता है। गौरव ने एक बात की तरफ बड़ा इशारा किया है, बड़ी गंभीर बात कही है आपने, आपने कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो क्या ऑनलाइन आपको उधार में सामान दे देगा? बाजार आपको उधार में सामान प्रोवाइड कराता है, जरूरत पड़ने पर चीजें उपलब्ध कराता है, और बाजार आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। गौरव, किस तरह से इस बात को अगर किसी उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहें तो कैसे आप इसको बताएंगे? उदाहरण थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, हर समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि मैं हिंदू समाज से हूँ तो जगह जगह आप जागरण होते हैं, अभी नवरात्र गए, उसमें जब मिलजुल कर एक कम्युनिटी जागरण करती है तो उसमें आपको कौन मदद करता है? आप जब बाजार आते हैं तो मनीष भैया के पास आते हैं, राहुल जी के पास जाते हैं, आपके पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं,
उस माँ के नाम से हमारा भी सहयोग लेते हैं और हमारे को उस पुण्य का भागी भी बनाते हैं। एक सहयोग जो आपने कहा कि जो एक आपसदारी में जिसमें एक मिलन भी बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है और मिलके जब सब कुछ काम होते हैं, ये तो मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया, लेकिन लोगों के सुख दुख में दुकानदारी आपके साथ खड़ा होता है। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आम जो 3% दुकानदार है, आप देखिए आप जब GST रिटर्न सरकार दिखाती है, जो उसके पोर्टफोलियो सरकार दिखाती है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप दुकानदार का भी दिखाइए, दुकानदार डाउनफॉल में जाएगा। दुकानदार मेरी नजर में कोविड से पहले और कोविड के बाद में दुकानदार लगभग 30-40% कुछ चुनिंदा दुकानदार, अब जैसे मनीष भैया को मैं कह सकता हूँ कि मनीष भैया का जो पूरा परिवार है या मनीष भैया की जो अपनी मेहनत है उससे वो स्टेबिलिटी में है, लेकिन डाउनफॉल जरूर है, चाहे वो 10% हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो डाउनफॉल ई कॉमर्स के कारण जो है वो 50% के लगभग जा चुका है। और मेरा मानना है कई दुकानदार, मैं तो कई एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनके, जिनको मैं दुकानदार अपने बच्चे को दुकानदारी से दूर रखेगा, उसका कारण जब उसका काम ही नहीं है तो उसका उसमें फ्यूचर नहीं देखता। राहुल कितना सहमत है आप देखिए भैया ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो ऐसी हैं क्योंकि जो पूरी हमारी मार्केट है इसमें कम से कम 30% ऑनलाइन ने कब्जा कर किया हुआ है। अभी आप हमारे देखिए मॉल खुले हुए हैं, आप अभी फ़ोन करो, आपको बानिया वाला जो स्मार्ट मार्ट खुला हुआ है आपको 150 रुपये का सामान आपको यहीं दे देगा। आप सपोज आप क्या मेहमान आए, आपको कोल्ड ड्रिंक मंगानी है 1 लीटर की, आपने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, नमकीन बिस्किट मंगाई, आपको यहीं मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं छोटे दुकानदार इससे प्रभावित है। आपको परचून का सामान घर मंगाना है तो आप एक लिस्ट बना के अपनी जियो मार्ट वाले को भेजोगे तो 2500-2500 रुपये तक का सामान आपका घर लेकर आएंगे, सपोज देहरादून से आपके यहाँ माल आएगा। तो कहीं ना कहीं ये छोटे दुकानदार, देखो मेरा मानना ये है कि डोयाला के अंदर जो ये मार्ट बने हुए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जरूरत थी, क्योंकि जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये काम धंधे छोड़ ही दिए, अधिकतर कोई कई कंपनी में नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का प्रभाव तो डोयाला के अंदर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी आप देखोगे हमारे कम से कम 7-8 मार्ट जो चल रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ चल रही है। देखो अगर मार्केट जो बची हुई है डोयाला की, तो गरीब आदमी और मिडिल क्लास ने बचाई हुई है। आज भी मैं आता हूँ तो मैं डोयाला मार्केट से सामान के जाता हूँ, मैं सुमित भैया के जाता हूँ, वहाँ से परचून का सामान लेता हूँ, भैया के जाता हूँ कपड़े की, भाई के जाता हूँ तो मेरे को TV चाहिए ऐसी, भैया के पास जाता हूँ क्योंकि मेरे को गारंटी मिल रही है। गारंटी कैसी मिल रही है, सपोज भैया के पास गया, कुछ सामान मैं ले गया, सपोज मेरा सामान मैंने 2 दिन यूज़ किया, धोया, कुछ किया, खराब निकला, भैया को बोल दिया, भैया ने बोला राहुल आधा चेंज कर दे इसको, तो वो सुविधाएं हमें ऑनलाइन से नहीं मिलेगी। हमने मंगाई, हमने यूज़ की, यूज़ करने के बाद कुछ फॉल्ट आ गया तो फिर वो वापस नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें लोकल टी का, लोकल मार्केट का फ़ायदा भी मिलता है। और एक चीज़ और कि हमें गारंटी जो आप ये लोकल दुकानदार हमें दे देगा, हमें ऑनलाइन बिजनेस वाले नहीं दे पाएंगे। तो हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए। अगर लोकल में हम आपस में संबंध रखेंगे, आपस में एक दूसरे संभाल लेंगे, शायद हमें लगता है कि सबका हमारा काम धंधा भी चलेगा और संबंध भी बने रहेंगे और फायदा कहीं ना कहीं सबको मिलेगा उसका। मनीष जी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर हम स्थानीय बाजार व्यापार के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें सुख दुख में भी व्यापारी सहयोग तो करते ही। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार बहुत जरूरत लोगों को पड़ जाती है और उधार सामान चाहिए होता है, तो शादी विवाह में तो मिलता ही है, देते भी है, तो क्यों ना व्यापारी से के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखा जाए। एक बात जैसे कि आपने कही है कि रिश्ते की बात आप कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अगर दुकान तक ग्राहक नहीं पहुंच रहा है, क्या लग रहा है कि उसके बीच में कोई अंतर पैदा हो रहा है, हमारी जो रिलेशनशिप थी, जो रिश्ता था, उस पर कुछ अंतर? रिलेशन तो देखिए फर्क नहीं भी पड़ रहा और पड़ता भी, दोनों ही बात है भाई। हमारे सामने कोई हमारा कस्टमर किसी और से सामान लेके जाए, ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, मान लीजिए शादी का सामान ही कहीं से लेके आया और हमारे पास सिर्फ आगे की बैग चाहिए मुझे पचास, तो क्या रिलेशन के चक्कर में देंगे तो हैं हम, पर कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है ना कि शादी का सामान तो बाहर से लेके आ रहे हैं और बैग ले रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, और उनसे 50 बैग के हम पैसे भी नहीं मांग सकते। मान लीजिए आप ही मेरे पास आए कि बेटे की शादी है और शॉपिंग बच्चे ने बाहर से कर ली, ऑनलाइन मंगा लिया और 50 बैग हमें चाहिए, अब पंडित जी से संबंध ऐसे कि मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा और दूंगा भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। हाँ तो संबंध भी मतलब चाहे कहें ना कहें, कहीं ना कहीं लगता तो देखो ऑनलाइन हमने शॉपिंग करी,
लास्ट में आए तो अपने के पास ही ना, आना तो वहीं पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं मिलती है। छोटी चीज के जा रहे क्यों ना, बड़ी चीज के साथ छोटी चीज वहीं से ले। संबंध तो देखिए बात है, अब हमारे कई कस्टमर है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो जो सामान मान ली बाहर से लेके आए चंडीगढ़ से या अम्बाला से, और आगे भाई सामान तो बच्चे वहां से ले आए और ये पैकिंग करवानी है इसकी, अब पैकिंग तो आपको करवानी पड़ेगी, तो मना भी नहीं कर पाते। सही बात है, बात है। बड़ी चीज जैसा कि आप गारमेंट के बिजनेस से जुड़े हैं और लंबा समय हो गया आपको इस व्यवसाय में, जी जी, कोविड के बाद आपने कितना परिवर्तन देखा, क्या ई कॉमर्स बढ़ा है उसमें और आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा है? देखिए व्यापार एक साल तो बहुत डाउन गया कोविड के बाद ना, फर्क भी पड़ा, लोगों ने ऑनलाइन भी लिया, सब काम किया, पर अब मार्केट स्टेबल है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ऑनलाइन की वजह से मार्केट में फर्क है, फर्क है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम इसको सर्वाइव भी कर जाएं, क्योंकि सर्वाइवल दुकानदार का नहीं है, उनके साथ साथ जो सर्वाइवल है उनके साथ काम करने वाले लोगों का, क्योंकि कई परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जी जी, तो उनके सर्वाइवल का भी सवाल है, सभी लोकल इकोनॉमी का भी सवाल है, तो कैसे हम स्ट्रेटजी उसकी तैयार करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जो बाजार है वो भी ऑनलाइन मार्केट से जुड़ गया है, तो उनके पास भी ऑनलाइन के ऑर्डर आने लगे, तो क्या ये सही है, क्या इस पर भी सर्वाइव कर पाएगा दुकान? ठीक है, सही तो नहीं है, ऑनलाइन की तरफ तो जितना कम ध्यान होगा कि सब आप लोग हम लोग सब मिल के ही कर पाएंगे, ऑनलाइन तो जितना कम से कम परचेसिंग करेंगे, लोकल मार्केट से लेंगे तो वही बेहतर है। दुकानदार भी ऑनलाइन से जुड़ा है, तो क्या ये ऑनलाइन बिजनेस जो दुकानदार कर रहे हैं उसमें फायदा का सौदा है या इसमें भी रिटर्न पॉलिसी के तहत, मैंने सुना है कि दुकानदार को नुकसान हो जाता है, कई बार सामान वापस भी आ जाता है? देखो दुकानदार को तो हर जगह नुकसान है, अगर वो ऑनलाइन नहीं जुड़ता तो उसका व्यापार ई कॉमर्स से पहले ही बहुत ज़्यादा प्रभावित है, अब जब वो जुड़ता है, आपने भी जो कपड़े की बात कही, लोग अक्सर, मैंने भी ये बात नोट करी है कि लोग घर में चीज़ें मंगाते हैं, शादी में पहनते हैं, उसको दोबारा पैकअप करके दुकानदार को वापसी भेज देते हैं कि साइज सही है, तो दुकानदार तो हर तरीके से प्रताड़ित हो ही रहा है। और ई कॉमर्स का ये लगभग सारा असर है, भारत की मैक्सिमम जो हैबिट डाल चुकी है, जो हैबिट पड़ चुकी है वो ऑनलाइन पड़ चुकी है, उससे सीधा सीधा देखिए आप, खाली दुकानदार का उस पर असर नहीं है, दुकानदार के साथ साथ जो आपने बात पकड़ी कि जो बेरोजगारी, बेरोजगारी जो लोकल जो स्थिति है, मैं डोईवाला की बताऊं तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये में बहुत ईजिली लोग आज की डेट में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा युवा BA MA पास फैक्ट्री में काम करने को मजबूर है, उसका कारण है, अगर दुकानदार वो पहले दुकान करता था 15-20-25-30-40 हज़ार रुपये कमा रहा था, अब ऑनलाइन उसकी क्षमता ही नहीं रही, क्योंकि 20 रुपये का बिस्कुट जब आपके घर आएगा तो आप तो उसे खरीद ही 22 रुपये में रहे हैं, तो आप उसे बेचेंगे क्या? तो इसका सीधा फर्क बाजार पे है और पूरी लोकल इकोनॉमी इससे असर। बिल्कुल सही कहा कि आपने, लोकल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास काम करने वाले जो युवा हैं वही प्रभावित होंगे, क्योंकि आप प्रभावित हो रहे हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो वो युवा भी प्रभावित होंगे, परिवार प्रभावित होंगे और लोकल इकोनॉमी प्रभावित होगी। मरीज जी, जैसे कि आपने बताया कि रिटर्न पॉलिसी में नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, किस तरह का आपका अनुभव रहा है? देखिए, जो अच्छे ब्रांड हम भी हम लोग बेचते हैं उनमें अगर रिटर्न आए तो हम पीछे रिटर्न हो जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, तो हम तो इसलिए ऑनलाइन पर विश्वास करते हैं, ना ऑनलाइन मंगाते हैं ना ऑनलाइन में कुछ बेचते हैं। अच्छा, कुछ व्यापारिक दिक्कतें भी हैं लोगों के सामने, जैसे कि ग्राहक बाजार आ रहे हैं, बाजार में उनका एक्सेस बड़ा इजी नहीं है, क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, अतिक्रमण है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो कैसे इन दिक्कतों को आप रेखांकित करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी डोयाला की मार्केट, सपोज डोयाला की मार्केट लेते हैं, मार्केट के अंदर गाड़ियों के, फोर व्हीलर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। सपोज भानियावाला से कोई आता है तो उसके पुल के पास ही कहीं पर हमारी नगर पालिका इसकी व्यवस्था बनाए पार्किंग की, तो वहीं पर पार्किंग करें। सपोज लच्छीवाला से कोई आता है तो उसकी मार्केट से बाहर, सपोज दूधली से कोई आता है उसको मार्केट से बाहर, आप पैदल आए या टू व्हीलर तो चलो चल जाती है, पर फोर व्हीलर के साथ क्या है कि दो जने आ रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं, ऐसे करते 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 भीड़ मार्केट में बढ़ जा रही है, क्योंकि ये जो हमारा डोयाला का मार्केट है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र उन्हें भी जुड़ता है, उनसे भी जुड़ता है, सपोज तेली वाला, कुड़का वाला, बुल्ला वाला, झबरा वाला, खेरी, जिस पर ये आधारित है मार्केट, तो
तो मेरा कहना यही है कि अगर गाड़ियों की पार्किंग की सुविधाएं बाहर हो जाए, लोग अंदर आए, पैदल आए, हाँ ई रिक्शा वगैरह छोटी चाड़ी गाड़ी इस तरीके से जो कि कोई सामान भारी है तो बाहर तक पहुंचा दें, इस तरीके की सुविधाएं अगर दुकानदार से मिल जाए। सपोज मैंने भैया के यहाँ से कुछ सामान लिया, भारी सामान है, तो भैया ने मेरे को बोला कि इसे बाहर तक, मेरी उसमें ऐसा ना हो कि पैसा जुड़े, कुछ इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए सब दुकानदारों की तरफ से कि सपोज 10 ई रिक्शा रख लिए, कुछ भी इस तरीके से बना के सुविधाएं मिल जाए बाहर तक छोड़ने की। तो शायद मुझे नहीं लगता कि आदमी बाहर खड़ी गाड़ी खड़ी करके अंदर आने में उसको भी परेशानी हो। परेशानी तभी होती सपोज मेरे को सामान लेना है और ज़्यादा भारी सामान, तो मैं सोचूंगा यार कैसे जाऊँगा कैसे लाऊंगा। तो वो चीज़ें अगर सुविधाएँ कुछ हो जाए उसमें नगर पालिका को भी इसमें अपना समर्थ वो करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा और व्यापारियों को भी योगदान देना पड़ेगा। तो कस्टमर को तो देखो आप प्यार से बुलाओगे भगवान है, कहने को भी है कि भैया ग्राहक हमारा देवता है, जितनी आप सुविधा दोगे तो देवता। गौरव जी कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आप तो नगर पालिका के सभासद भी हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि अक्सर बाजार में देखा जाता है कि रेलवे रोड की हम बात कर रहे हैं या मेल रोड की हम बात कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी हो गई दुकान के सामने तो फिर पीछे से शोर मचना शुरू हो जाता है, जाम लग जाता है, कैसे देखते हैं सब? देखो इसमें अब मैं जनप्रतिनिधि, दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार के पास तो जो रजिस्ट्री की उसके पास जितनी जगह है उसके बाद तो आप उसे अतिक्रमण में आएंगे। अब उसने अपनी दुकान पे चढ़कर, पुरानी दुकान है किसी की 40 साल पुरानी दुकान है, डोईवाला बाजार कोई 70-80 साल पुराना आपकी बाजार है, तो इसमें मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव भी है नगर पालिका को, हमने पहले भी रखा था, लेकिन कई चीज़ें अधिकारियों के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होती है जियो में फंस जाती है। डोईवाला में पार्किंग की सुविधा नहीं है। अब जैसा राहुल जी ने ये बात कही, मनीष भैया ने ये बात कही कि दुकानदार भाई, दुकानदार आपके ग्राहक आएगा, लेकिन आज की डेट में जो फैसिलिटीज लोगों के पास है, हर घर में कार है। अब मान लो किसी ने कोई 50-60 किसी शादी का सामान खरीदना है, कपड़े का सामान खरीदना है, तो स्वाभाविक है उसको अपनी कार भी मोटरसाइकिल तो लेके जा नहीं पाएगा ना। और क्षेत्र में जिस हिसाब से जो असामाजिक तत्व छीना झपटी वाला है, आदमी उससे भी थोड़ा डरता है, इसलिए वो कार पे आता है। तो ये चीजें क्या है कि एक पार्किंग की सुविधा तो होनी चाहिए, चिन्हित करनी भी चाहिए जगह जगह पार्क। लेकिन मेरा एक सुझाव है, क्योंकि बड़ा आसान होता है कह देना अधिकारियों को भी पार्किंग के पास पास जगह नहीं है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव नगर पालिका और लोकल प्रशासन को ये है कि आप पार्किंग जो लोकल लोगों के पास कई जगह बाजार में भी कई जगह लोगों के पास प्लॉट है, आप बाजार में देखेंगे, आप उनको पार्किंग फ्री कर दो, अब वो अपना 2 पैसा उससे कमाए, आप उसे शुल्क डालो। जब वो वहां पार्किंग अपने वो किसी को खुद तो वो खड़ा होगा नहीं, अगर मान लो मेरा कोई प्लॉट है, मनीष भैया का प्लॉट है, आपका कोई प्लॉट है, आपका है, तो अगर मैंने उसको किसी को लोकल को 5-7 हज़ार रुपए में मैंने भी दे दिया, तो वो 20-30 रुपए की अगर पर्ची काटेगा तो तुरंत नगर पालिका उस पर कमर्शियल टैक्स लगा देगा, आप तो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। तो आप सुविधा दुकानदार को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप बकायदा उसका जो उसकी रसीद आप काटेंगे, जो उसके नगर पालिका प्रशासन के जो नॉर्म्स है उसके लिए आप उसमें जो जो टैक्स लगता है वो आप लगा रहे हैं, लेकिन आप सुविधाएं नहीं दे रहे। बिल्कुल सही गौरव जी ने कहा है कि जो नगर पालिका अगर सुविधाएं दे पार्किंग की तो प्लॉट जो खाली पड़े हैं उनमें पार्किंग हो सकती है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सर जो रेलवे रोड है पूरा पार्किंग रोड के नाम से अगर उसका कहा जाए कि पार्किंग रोड है तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। पार्किंग रोड तो है वैसा, अंदर जाने की जगह तो नहीं है ना, वही क्वेश्चन हमारे यहाँ गन्ना सोसाइटी की है। गन्ना सोसाइटी में पार्किंग 5 बजे तक तो है, पर अंदर आना ही अपने आप में बड़ा मतलब मुश्किल काम है। अब तो पंजाब बैंक हट गया वहाँ से, पंजाब नेशनल बैंक, तो फिर भी मतलब ज़्यादा तो नहीं है, 20% राहत है उससे, राहत मिली है, 20% राहत मिली है। तो ये है जैसे हमारा गन्ना सोसाइटी की पार्किंग है, इस तरह से जो भी मार्केट में पार्किंग हो सकती है उनका यूज़ करना चाहिए। और जैसे वो 5 बजे तक है तो उसको बढ़ाकर किसी बात करके 8 बजे तक एक चौकीदार उसका अलग से रख लें, मार्केट वाले उसको पे करेंगे, हम तैयार हैं देने के लिए। ग्रुप मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाज़ार है, शुरू से आप और बाज़ार को देखते रहे जी जी, और अलग तरह का ट्रेंड था मार्केट का, कपड़े की दुकानें कुछ ज़्यादा थी, ज्वेलर्स की दुकानें कुछ कम थी, बैंक कम थे, अब लगातार बढ़ता चला रहा है, ज्वेलरी की दुकानें बढ़ रही हैं, कपड़े के भी जो है शोरूम बढ़ रहे हैं, और डिजिटल मार्केट जैसे मोबाइल्स की दुकानें लगातार बढ़ रही हैं, परचेसिंग पावर तो बढ़ रही है, तो उस परचेसिंग पावर को किस तरह से कैश करना चाहिए?
बाजार। सुविधा ही एक ऐसी चीज है, मैंने आपको पहले कहा कि चीजिंग पावर बढ़ रही है वो जनसंख्या के आधार पर, पहाड़ का जो व्यक्ति है वो पलायन कर रहा है, ये सच्चाई है, ये कटू सकते हैं, वो पलायन हम रोक नहीं पा रहे, उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि वो लोकल मार्केट जो वहाँ पहाड़ पे पौड़ी जनपद जो जनपद है हमारे कुमाऊँ इन पे जो हमारे जनपद जहाँ से पहाड़ से जो व्यक्ति नीचे आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो वो लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है उन्हीं, ये जो आप बता रहे हैं ना कि बाजार बढ़ रहा है, जो डिजिटल बाजार बढ़ रहा है और जो ये दुकानें बढ़ रही हैं, कारोबार है लेकिन मैक्सिमम जो ग्रैब कर रखा है, अब जैसे आप ज्वेलरी है, ज्वेलरी की दुकान आपने जो पॉइंट पकड़ा क्यों बढ़ रही है, ज्वेलरी ऑनलाइन नहीं बिकती इसलिए बढ़ रही है, डिजिटल भी तो बढ़ रहा है, मोबाइल तो बढ़ रहा है, मोबाइल का कारोबार कैसे वो कर रहा है आप उसको समझो, वो सारा कुछ आप रात को जो मोबाइल का दुकानदार है वो कार में दुकान अपनी पूरी सेट कर लेता है और घर ले जा लेता है, मैं दुकानदारों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे अपने भाई हैं, उनको ये चीज करने में क्यों मजबूर है प्रशासन की ओर से, अब ये दबाव देखिए ना, वो कहीं ना कहीं महसूस करता है कि उसे एक डर है, किस चीज का डर होगा, चोरी का डर होगा, कहीं ना कहीं प्रशासन को चीजें बढ़ानी चाहिए, और जो डिजिटल वाला सिस्टम है आप मोबाइल में भी मोर यू इन्वेस्ट मोर यू गेन, ये मोबाइल में तो बिल्कुल फिक्स बैठता है कि आपकी सरकार सुविधाएं जो पहले होती थी कि पहले चीजें इजी होती थी कि यार 10 मोबाइल मंगा लिए, अब तो इस प्रकार से कि आपका कंपटीशन कपड़े का कंपटीशन मनीष नारंग जी और कमल क्लॉथ्स का नहीं है या अरुण गारमेंट्स का नहीं है, जितने हमारे कपड़ा व्यापारी हैं उनसे कोई कंपटीशन नहीं, इनके जो कंपटीशन है वो मॉल से चल रहे हैं, लेकिन मॉल जो मनीष भैया मैंने पहले जो शब्द कहे थे जो अपनापन मनीष भैया के पास जाके मिलेगा मॉल पे आपको कमर्शियल मिलेगा, पैसे निकलने के बाद थैला आपको इतनी जल्दी हाथ में पकड़ाया जाएगा और आप तुरंत घर आएंगे तो ई कॉमर्स का सर बिल्कुल अपनापन खत्म कर चुका है, अपनापन खत्म हो गया है। राहुल मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका तो आइसक्रीम कर लीजिए, कैसे देखते हैं आप ई कॉमर्स को और आइसक्रीम के बिजनेस? देखो आइसक्रीम के मैं तो अभी ये मानो कि ई कॉमर्स का इतना अभी कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ कोई आइसक्रीम अगर ऑनलाइन मंगाता है तो आते आते मेल्ट हो जाएगी, कम है आ तो रही है, मतलब जैसे मॉल वगैरह में से मंगाते हो तो आ जाएगी पर बहुत जल्दी एकदम से मिल तो जाएगी आस पास में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर के दायरे में तो मिल सकती है, सपोज आज बुक करें और देहरादून से मंगाए तो नहीं होगा, बुक हमारे पास ही करनी पड़ेगी। लोकल में भी तो हो रहा है, लोकल नहीं लोकल में हमारे उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा, पर ये कि आदमी परेशान तो है, जैसे हम मार्केट जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो लोग हमारी देखो आइसक्रीम बिक रही है, सपोज मैं हूँ तो मैं कम से कम 1 करोड़ का धंधा आइसक्रीम का करता हूँ, तो कंपटीशन तो बहुत है, लोकल भी है और भी कंपनियाँ हैं, मतलब पहले डोयाला के अंदर सिर्फ वाड़ीलाल की आइसक्रीम यहाँ मिलती थी अपने चौक पर, उसके बाद फिर मैं 2008-09 में मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना तो फिर मैंने सप्लाई शुरू की तो लोगों को एक सुविधा मिली, पहले यहाँ आते थे लेने, अब सुविधाएं मिली तो सुविधाएं मिलते मिलते फिर अब क्या है मार्केट इतना बड़ा हो गया कि सब लोग बहुत कंपनियां देहरादून तक के लोग सप्लायर यहाँ आते हैं, तो अब मेरे को भी लगता है कि यार मुझे काम भी चेंज कर देना चाहिए अपना क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया। गौरव जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है, ई कॉमर्स में तो इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी बढ़ रहा है 90%, देखो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है आगे की? स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, आप स्ट्रेटजी कैसे कर पाएंगे, आप मॉल से मुकाबला कैसे कर लेंगे, जो जो एलईडी के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर एक एलईडी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, प्रॉपर चैनल है, कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर एक जोनल बनाया, जोनल में एक व्यक्ति को माल दिया भाई उत्तराखंड में आप डिस्ट्रिक्ट देहरादून में एक मनीष जी काम करेंगे, उसके बाद मनीष भैया ने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया आपको बना दिया, आपके बाद मैं और ये दुकानदार है तो आप अपना मार्जिन लेंगे आपसे, आप अपना मार्जिन लेंगे मेरे से, तो वो जो बीच का जो मार्जिन है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन पे तो उसका इतना असर है कि जो माल जिस रेट पर एक आम दुकानदार खरीदता है उससे सस्ता जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप मुझे जो देंगे उससे सस्ता बिक रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन का, तो भविष्य मेरे कई साथी ऐसे हैं देहरादून में जो वाइंड ऑफ कर चुके हैं, और इस लाइन का तो भविष्य ई कॉमर्स में और ये जो जितने आपके मॉल्स देहरादून में, देखिए मैं उदाहरण देता हूँ आप एसी का उदाहरण ले, वोल्टास का एक एसी 40,000-42,000 फाइव स्टार एसी मिल जाता है वहाँ आपको 36,000-38,000 मिल जाएगा, इससे फर्क आम जन मानस के साथ जो हमारा व्यवहार है, मान लो आप ही मेरे पास आते हैं तो मेरा और आपके बीच के जो संबंध है, क्योंकि आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि यार गौरव
हमारा छोटा भाई है और ये हमें अच्छी चीज देगा, कम दाम में देगा। तो अगर मैंने आपको वो 40,000 रुपए की जो चीज मुझे अगर 41 में दे रही है और वो 37,000 में ऑनलाइन बिक रही है, तो आम रिलेशन पे भी उसका सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो कहेंगे कि भाई ऑनलाइन तो इतना है, इन्होंने तो मार्जिन अपना ज्यादा लगा लिया, तो उसमें एक रिलेशनशिप में कि भाई असर पड़ता है। मैंने कहा ना उसे तो पड़ी 40 का रहा, उसने आपको 41 का दे दिया जिसमें वो जीएसटी भी करेगा, उसके पास अपने सिस्टम्स भी है, अपनी दुकान का अपना खर्चा सब कुछ है ना। उसने 1,000 रुपए में आपको 40,000 रुपए लगा के, और ये भी तो कोई शोर नहीं है ना कि वो एसी कब बिकेगा, लेकिन उससे जो रिलेशन में फर्क पड़ रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में तो इसका बहुत फर्क है। फेस्टिव सीजन को लेकर एक अलग तरह का उत्साह व्यापार में होता है, बाजार में होता है। मैं पहले देखता था बाजार को बड़ा चमकाया दिया जाता था, जगमग बाजार होता था, अब थोड़ा सा रंगत थोड़ी सी मुझे फीकी सी नजर आती है। क्या उसकी वजह भी ई कॉमर्स है? स्वाभाविक है, काम कम होना, काम कम होने से ही देखो, अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो स्वाभाविक है आप बाजार में जाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपके पास पैसे हैं लेकिन अब आप डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं साहब, डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन परचेज करके बस आप गूगल पे हो जाता है। कैश वाला जो आइटम है, जो हाथ से जो पर्स से आप पैसे निकाल लेते, वो दौर गया। भैया जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं कि आप गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया, और भी बहुत तरह के जो माध्यम है, वो ज्यादा हो गया भैया क्या कैश से? नहीं, पहले से काफी बड़ा है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा है, सब लोग ना एक्टिव है, अपना जीपे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। भाई पहले मान लो कैश भी होता था, कैश हम लोग स्पेशल बैंक जमा करने भेज रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसी ट्रांजेक्शन ने, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है जी, इसको हमारी सरकार भी बढ़ावा देती है, इसने ई कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया है? ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया है, पर मार्केट में इसी चीज का फर्क नहीं है, बल्कि सर हम मतलब अपना ही बताऊं, मैं हम लोग भी कंप्यूटर चलाना सीख गए सारी ट्रांजेक्शन खुद कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है सर। गौरव, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, व्यापारी को कितना अपडेट होनी चाहिए? देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए, आप कोई भी कार्य करो, चाहे वो व्यापार हो, कुछ अपडेट तो आपको होना ही पड़ेगा, आपको दौर के हिसाब से तो चलना ही चाहिए, दौर के हिसाब से तो आपको हर चीज सीखनी चाहिए। पर क्या मनीष भैया, मैं और आप तो सीख जाएंगे, क्या वो जो दुकानदार जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, जो 50 साल 65 साल का बुजुर्ग जो वहाँ पर काम कर रहा है, क्या वो इन चीज़ों को कर पाएगा? क्या उसके लिए इतना आसान है इन चीज़ों को कर पाना? तो जो छोटा दुकानदार है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो, मनीष भैया, मैं, हमारा जो कारोबार है वो एक मिडिल क्लास कारोबार है, लेकिन जो छोटा वर्ग है उस पर इसका सीधा सीधा असर है, जिसका ई कॉमर्स के कारण जो असर है। अब जो दुकानदार गांव में बैठा है, जिसकी पूरे दिन की सेली मान लो 800-900 रुपये है, और वो बिस्कुट पे, मैगी पे, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो आप उसमें देखिए, आप जियो मार्ट पे आप जाके देखिए, बाय वन गेट वन आपको 50% ऑफ पे बिस्कुट मिल रहा है, तो आप उससे कहाँ खरीद लेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अपील है आपकी स्थानीय लोगों से, क्योंकि व्यापार स्थानीय लोगों से बढ़ता है, डोईवाला जैसा व्यापार तो स्थानीय लोगों पर ही ज्यादातर निर्भर करेगा, और उससे स्थानीय इकोनॉमी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ग्राहक और व्यापारी का रिश्ता जो है केवल सामान खरीदारी तक ही सीमित है, वो सामाजिक सहभागिता में भी उसका योगदान है, क्योंकि अगर वो सामान लोकल दुकानदार से खरीदते हैं तो वो उससे इकोनॉमी स्थानीय क्षेत्र की ही मजबूत होती है। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगा, पब्लिक से भी और व्यापारी से भी, दोनों से अपील है कि जो पब्लिक है वो अपनी जो लोकल मार्केट है उसी से सामान खरीदे, क्योंकि जो वो यहाँ से यहाँ पर अपना पैसा वो बांटेगी करेगी, सामान लेगी जहाँ से भी, तो वो पैसा यहीं पर रोटेट होगा, तो जब हम मार्केट जाएंगे मिलेंगे, तो उससे भी एक व्यापारी और एक कस्टमर के बीच में एक संबंध जो स्थापित है वो रहेंगे, और एक गारंटी किसी भी सामान की वो हमें मिलेगी, और इसमें बड़ा दुकानदार भी छोटा दुकानदार भी, सबका कारोबार चलेगा, सबके बच्चे पढ़ेंगे, सबका काम चलेगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सपोज हम ऑनलाइन की तरफ भागेंगे तो फिर ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी, और ये मार्केट हमें बचानी है। गौरव, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? देखो, मेरा तो समझ जो डोईवाला वासी, क्योंकि मैं डोईवाला का नागरिक हूँ, डोईवाला में व्यापार भी करता हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, जो कुछ हूँ डोईवाला की जनता के आशीर्वाद से,
मेरा इनसे सबसे निवेदन है कि आप लोकल मार्केट में परचेज करो। ऑनलाइन बहुत ज्यादा अगर फर्क दिख रहा हो तो एक मजबूरी है, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो अपनापन, जो सुविधा, जो इकोनॉमी आप डोईवाला की बढ़ाओगे, उसमें बहुत ज्यादा लाभ आपको ये होगी। जितना इकोनॉमी डोईवाला में पैसा, आपका पैसा अगर डोईवाला में रहेगा ना, तो आपका डोईवाला बढ़ेगा, तो हर घर बढ़ेगा। और एक छोटी सी अपील और मैं करना चाहता हूँ कि जो एक बहुत गरीब तबका है, जो दिवाली पे दिए, छोटे छोटे आइटम्स लेकर बाजार में आता है और वो फुटपाथ पे एक बहुत उम्मीद के साथ आता है, तो मेरा समस्त डोईवाला वासियों से निवेदन है कि इस प्रकार की चीजें जो जो फुटपाथ पे बिक रही हैं, उसको तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे वो आपको 2-4-10 रुपए महंगी भी मिल रही हो, उस वेंडर से खरीदो, उससे खरीदो, उसकी बहुत एक साल भर की उम्मीद होती है, जो वो उस उम्मीद के साथ आता है, शायद वो अपने 6 महीने उस पैसों से काटता हो। तो मेरा समझ दोई वाला वासियों से निवेदन है कि फुटपाथ पे जो दिए बेचने वाला है, जो फेरी लगा रहा है, जो फूल बेच रहा है, इस प्रकार की जो छोटी चीजें बेच रहा है, उसको आप बढ़ावा दो और लोकल दुकानदार से ही आप सारा सामान खरीदने की कोशिश करो। कपड़ा व्यापारी हो और जो लोकल आपके ग्रोसरीज हो, समस्त डोईवाला की इकोनॉमी को आपको बढ़ाना चाहिए। इसमें ही आपकी बढ़त है और इसमें ही मेरी बढ़त, बिल्कुल। और इसी से डोईवाला की तरक्की को भी हम देख सकेंगे आगे, हम उम्मीद कर सकेंगे कि डोईवाला तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। मनीष जी, फाइनल कमेंट आपसे। फाइनल कमेंट जो गौरव ने कहा बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे मतलब गरीब तबका है, छोटे दुकानदार जो रेड़ी लगाते हैं या मतलब फड़ी लगाते हैं, तो उनसे जरूर शॉपिंग करें। और प्रशासन से भी एक अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि कोई रेडी वाले, जैसे आजकल सीजन टाइम है, रश है, तो उनको उचित व्यवस्था करा जाए, ना हटाया ना जाए उनको, उनको या तो उचित स्थान दिया जाए कुछ, या कुछ मतलब उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए कि बिल्कुल हटा दिया जाए, कि सीजन टाइम में हट जाओ, नहीं, उनको बेचारों को मौका मिलना चाहिए अपना सामान बेचने का और उनसे सामान खरीदना चाहिए। बहुत सही जानकारी आपने दी है और बहुत सही अपील भी आपने की है कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी रोजी रोटी केवल उसी व्यवसाय पर निर्भर है, उनको भी हमें सपोर्ट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन वर्सेस स्थानीय व्यापार, स्थानीय दुकानदार, और बहुत जानकारी उसमें निकल कर सामने आई है कि हमें एक तो सुविधा बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा दुकानदार और ग्राहक के बीच में, और जो रिलेशनशिप है उसको और बिल्ड करना पड़ेगा, उसको और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि स्थानीय इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, स्थानीय जो आर्थिकी है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपसे मुलाकात करके। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। राहुल जी, थैंक यू।